इस वीडियो को कंप्लीट देखिए आप, बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत इन्जॉयमेंट होने वाला है आपका। बहुत अच्छे सीन्स और बहुत अच्छे स्टंट्स हॉर्सेस के बतलाने वाला हूँ मैं, सारी डिटेल्स के साथ। ये फार्म कहाँ पर है, स्टड फार्म और ट्रेनिंग सेंटर, सब चीज़ें बतलाऊँगा बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर और बहुत अच्छे ट्रेनर के साथ में। चलिए चलते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। तो जब आप यहाँ आए थे सोहेल भाई, आपको हॉर्स राइडिंग बिल्कुल नहीं आती थी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आती। और आज आप कंप्लीट एक हॉर्स राइडर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू अक्रम डेयरी फार्म चैनल। हम आए हैं तेलंगाना हॉर्स राइडिंग एकेडमी पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो राइडिंग क्लब चल रहा है आजम भाई का, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है यहाँ पर और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर हॉर्सेस सीखने के लिए। जो हॉर्स लवर्स है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है हॉर्स राइडिंग सीखने के लिए। ये हैदराबाद में अत्तापुर पर है, पिलर नंबर 202 के बिल्कुल नियरेस्ट एरिया है, अशोक विहार, पिलर नंबर 202 अत्तापुर के पास आके भी आप लोग कॉल कर ले सकते हैं। टाइटल डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा आजम भाई का। और ये जो आपको सामने संजाब घोड़ी दिख रही सिंधी, इसकी एक वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं तो उसकी चाल आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, या फिर ये सेल के लिए अवेलेबल है, आप उस वीडियो के अंदर भी जाके जो जो हॉर्सेस सेल के लिए अवेलेबल है वो भी देख सकते हैं। तो हम आजम भाई से सारी डिटेल में बात करेंगे और देखेंगे क्या क्या यहाँ पर कोर्सेस ऑफर्ड है। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आके हॉर्स लर्न कर रहे हैं, कैसे चलाना है, क्या क्या कंट्रोलिंग होती है, इसकी सारी डिटेल्स में आप देखिए। बहुत अच्छा एक लुक यहाँ पर नज़र आ रहा है। आजम भाई से बात करूँगा मैं, वीडियो लास्ट तक देखिए। ये देखिए आप, ये सोहेल भाई है और माशाल्लाह ये पिछले बैच के स्टूडेंट है और माशाल्लाह अब पूरे रेडी हो चुके हैं हॉर्स राइडिंग के लिए। चलिए हम जैसा व्यूअर्स जब से देख रहे हैं, हम बिना देर करते हुए मुलाकात करेंगे आजम भाई से जो तेलंगाना हॉर्स राइडिंग एकेडमी के ओनर और इंचार्ज है। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत आजम भाई? आजम भाई सबसे पहले आपको लोकेशन बतलाइए। अत्तापुर प्लेयर नंबर 202 के पास है, रिलायंस पंप है, इसके जरा आगे परमानेंट है। प्लेयर नंबर 202 के बाद रिलायंस पंप है, रिलायंस पेट्रोल के बाजू परमानेंट है। अच्छा, उसके बाजू में आपकी जो परमानेंट के अंदर जब चलेंगे आप जी, उसके वहाँ BNR अपार्टमेंट बोलिए, BNR अपार्टमेंट के बाजू तेलंगाना हॉर्स राइडिंग अकेडमी है। अच्छा, या नहीं तो आपको कॉल भी कर लेंगे, पिलर नंबर 202 के पास आगे अत्तापुर के पास जब भी कर ले सकते हैं, कभी कर लेते हैं भाई। ये 24 आवर्स भाई बतला रहे हैं कॉल करने के लिए, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो इंटरेस्टेड है वही लोग कॉल करें, डिस्टरबेंस के लिए या इंक्वायरी के लिए मत करिए और सारी डिटेल्स बतलाएंगे। आजम भाई आप ये जो कोर्स रखे हैं ये आपका सेकंड बैच है ना? जी जी, सेकंड बैच है। तो फर्स्ट बैच अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है आपका, ऑलरेडी इसकी वीडियो है चैनल पर, और आज ये सेकंड बैच का आप बतला रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप और कुछ चेंजेस भी हो गए इसके अंदर, कुछ नए हॉर्सेस भी आए हुए हैं आपके पास यहाँ जी? पूरे फुल ट्रेन हॉर्सेस है और ट्रेनिंग भी हॉर्सेस को अपन देते हैं, सारे ट्रेन हॉर्सेस है आपके पास और बच्चे वगैरह सब चला रहे हैं। एज एक बार बताइए ना आजम भाई, कहाँ से स्टार्ट करते हैं आप राइडिंग के लिए? 7 इयर्स से स्टार्ट है, 7 इयर्स से राइडिंग स्टार्ट है आपके पास ट्रेनिंग। 45-50 इयर्स तक भी अबाउट इसका बोल नहीं सकते, 60 इयर्स का भी मेंबर भी मेरे पास सीखते हैं। अच्छा माशाल्लाह, यानी 60 इयर्स के जो ओल्ड एज है उस एज के लेवल में भी आके आपके पास हॉर्स राइडिंग यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे डिटेल के अंदर। और कौन से हॉर्सेस हैं आपके पास? जी मेरे पास काफी सारे ब्रीड्स हैं मेरे पास जी, जो जो वेल ट्रेन हॉर्सेस हैं मेरे पास, जैसे मतलब मारवाड़ भी है, कांटेवार भी है, साथ में ये थोरोब्रीड है। अच्छा, जैसे ये फर्स्ट वाला मारवाड़ है, फिर ये इंग्लिश है थोरोब्रीड, फिर कांटेवार भी है जी, सारे हॉर्सेस है, जितने मेंबर्स है बल्कि उसके मेंबर्स के ये सिंधी भी है आपके पास जी। अच्छा, ये घोड़े की वीडियो कल बनाई बिना अपन सेल के जी, लिए जी, 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 तो यहाँ पर देखिए आप, ट्रेंड हॉर्सेस सेल के लिए भी अवेलेबल है, आप इसकी राइडिंग देख सकते हैं। सिंधी ये जो घोड़ी है बहुत अच्छी चाल में, चाल वगैरह देखिए आप इसकी, इसकी जो सेल की वीडियो है उसकी लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और काफी वेटलेस और ये भी वेट्स के लिए भी है, यानी हैवी वेट भी अगर रहा तो आपके पास राइडिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसके फायदे क्या क्या है राइडिंग के? ये फायदे तो काफी सारे हैं इसके हॉर्सेस के, जैसे वेट लॉस करने के लिए, हेल्थ के लिए, एवरीथिंग, हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है के लिए हर वो चीज़। और सबसे मेन बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है जी, ये अभी जैसे जितना अभी इसको जितना इंक्रेज किया जा रहा है, काफी सारे लोग इसको, स्टूडेंट्स भी इसको लाइक कर रहे हैं अभी,
बराबर इतना पहले स्टूडेंट्स को इतना वो नहीं था, अब जो काफी सारे लोग तो से आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी फर्स्ट बैच है मेरे पास, अभी फिर एक ये सेकंड बैच है आपके पास, फर्स्ट बैच आपका कंप्लीट हो गया ना? जी सेकंड बैच, और ये मेरे पास। अच्छा, ये एक स्टूडेंट है आपके जो फर्स्ट बैच में मुलाकात करे थे, सोहेल भाई है ना ये? जी जी सर। तो सोहेल भाई से भी मुलाकात करेंगे और थोड़ी सी बात करेंगे हम जी। तो कुछ आपके स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये नन्हे शहजादे से बात करेंगे। अमीर कम कम हियर, अमीर कम कम हियर। आप रुक जाइए एक मिनट, जस्ट वन मिनट। आपका नाम क्या है? उमेर जी। आप कितने इयर्स के? अभी 10 इयर्स ओल्ड है आप। और कैसी दिख रही है आपको हॉर्स राइडिंग यहाँ पर? अच्छी। यानी हॉर्स राइडिंग सीखने के लिए आप यहाँ पर आए हुए तेलंगाना हॉर्स राइडिंग एकेडमी पर, और आप इनके वालिद हैं। भाई आपका नाम? मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजम भाई, आजम भाई आपका घर कहाँ पर है? डेयरी फार्म। डेयरी फार्म से आ रहे हैं आप यहाँ पर, और कितने दिन हुआ राइडिंग स्टार्ट करके यहाँ पर? वन मंथ हो गया। और अभी राइडिंग इन्होंने सेल्फ कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छी बात है। कैसा महसूस हो रहा आपको, क्या रिस्पांस है यहाँ पर? एक्सीलेंट जी। really और कौन है ट्रेनर, कैसी ट्रेनिंग दी जा रही हमारे? जी वैसे तो बहुत रिस्पेक्टफुल है आजम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मशहूर भी है, और जैसे सभी लोग जानते हैं मैं फिर भी बताना चाहूँगा, बहुत अच्छे ट्रेनर है। तो अभी आपको यानी यूजफुल दिख रहा है, आपकी मनी वेस्ट नहीं हुई यहाँ पर आने से, बहुत यूजफुल काम हो गया जी। चलिए बहुत अच्छी बात है, फिर हम सोहेल भाई से भी यहाँ पर रिव्यू लेंगे जी। वेरी गुड फॉर द हेल्थ है। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है इससे। और ये इंग्लिश थोरोब्रिड है, देखिए आप, बहुत ज़्यादा हाइट रहती है इस घोड़े की, उसके बावजूद सिर्फ 10 इयर्स ओल्ड है ये, इसकी राइडिंग कर रहे हैं माशाल्लाह। ये देखिए आप सेल्फ राइडिंग, और ये फर्स्ट बैच के स्टूडेंट है सोहेल भाई। और सोहेल भाई आपका कंप्लीट ट्रेनिंग हो चुकी है? चलिए माशाल्लाह, ले आ रहा हूँ जी, कम हो रहा है मेरा और सेहत के लिए आ रहा हूँ मैं। अच्छा, यानी हेल्थ बेनिफिट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं आप इसके ऊपर, बहुत अच्छी बात है जी। इसके अंदर मेरे को हेल्थ बेनिफिट में क्या हुआ है, पहली चीज तो वेट कम हुआ है, वेट भी कम हुआ है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ 3 महीने से जी। वेट मेरा 3 महीने में 20 kg लॉस किया मैं। 3 months में 20 kg लॉस हुआ आपका, बहुत बड़ी बात। मैं दूसरे राइडिंग स्कूल पे गया था, वहाँ पे मेरे वेट से कोई भी नहीं लिया मुझे, लेकिन यहाँ पे आजम भाई की हेल्प बहुत अच्छी है। यहाँ पे मेन चीज है यहाँ का एटमॉस्फेयर, और आजम भाई की वजह से हम वेट लॉस किए। और सबसे मेन चीज क्या है, मेरी जो मेरे पास स्पाइन का प्रॉब्लम था जी, वो स्पाइन का प्रॉब्लम चले गया 14 साल का, जो बहुत बड़ी बात है, वो तकलीफ चले गई मेरे को 14 साल की। यानी लोग समझते स्पाइन बोन का प्रॉब्लम आता हॉर्स राइडिंग करने से, और आप क्योर हो गया बता रहे। 14 साल का दर्द मेरा 14 दिन में चले गया आजम भाई की वजह से जी। और यहाँ का हम जो है माहौल एटमॉस्फेयर जो है उसके वजह से हम कंटिन्यू राइडिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। एवरी मंथ मेरे को वेट लॉस 5-6 kg का वेट लॉस है यहाँ पे। और हेल्थ वाइज में इम्यून सिस्टम आपका अच्छा होता है जी, और बैकबोन आपकी क्या बोलते हैं स्ट्रांग होती है। तो जब आप यहाँ आए थे सोहेल भाई, आपको हॉर्स राइडिंग बिल्कुल नहीं आती थी? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आती, और आज आप कम्प्लीट एक हॉर्स राइडर है अल्हम्दुलिल्लाह। आजम भाई की बदौलत आज हॉर्स राइडिंग हम आराम से कर सकते हैं बिल्कुल। और ये बहुत जुस्तजू और कोशिश वाला काम है, यानी अपने अंदर भी एक डेयरनेस पैदा होता है हॉर्स राइडिंग से, डेयरनेस भी आती है। और दूसरी चीज क्या है, हॉर्स राइडिंग करने से काफी चीजों का बेनिफिट है आपको, क्या है भूख अच्छी लगती है, और दूसरी चीज आपको काफी बेनिफिट्स है, मैं नहीं बता सकता। अच्छा सोहेल भाई, आप आ रहे हैं कहाँ से? मैं देखिए संतोष नगर अवेसी हॉस्पिटल के पास से आता हूँ, 17 किलोमीटर से। 17 किलोमीटर से आप आजम भाई के पास तेलंगाना हॉर्स राइडिंग एकेडमी में हॉर्स राइडिंग के लिए आ रहे हैं क्लासेस लेने के लिए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप कंप्लीट एक हॉर्स राइडर बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बहुत खुशी की बात है। तो चलिए हम आजम भाई से कुछ स्टंट्स भी देख लेंगे। जैसे बहुत शरीफ घोड़ा है, आप लोग समझ सकते हैं शरीफ यानी बहुत तेज घोड़ा है, लेकिन फिल्म्स में काम करता घोड़ा है और बहुत स्टंट्स के लिए यूज होता है, आप लोग देख सकते हैं इसको। मैक्सिमम फिल्म का जो शूट होता, जो हीरो और हीरोइंस एक्टर एक्ट्रेस रहते हैं उनके शूट के लिए ज़्यादा इस्तेमाल में आता है, और बिल्कुल सडन पिकअप पकड़ता, सडनली स्टॉप हो जाता, बहुत अच्छी कंट्रोलिंग का घोड़ा है, हलफ वगैरह का जो शॉट रहता उसके लिए। ये देखिए अब सडन गैलप भी हो जाता और स्लो भी होता,
और ये जो अजान की आवाज़ आ रही है आप लोगों को, ऑलरेडी हम एक अजान का जवाब दे चुके रुक के, इसलिए मैं इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो शौकीन हैं अच्छे स्टंट सीखना चाह रहे हैं आप हॉर्सेस के, यहाँ आके सीख सकते हैं आजम भाई के पास। ये देखिए आप यानी हर चीज के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा लुक है देखिए आप, ये जोड़ी वाली जो राइडिंग होती है उस टाइप की है, दो घोड़े एक साथ रन हो रहे हैं। ऐसे बहुत से शूट्स आपको देखने मिलेंगे फिल्म्स के अंदर और मैं ये लाइव बता रहा हूँ आप लोगों को। इतनी स्पीड गैलप के बाद भी सडन घोड़ा रुक जाना अपनी जगह पे, फिर एक शॉट लेना, तो ऐसे बहुत से चीजें मिलेंगे आपको और ये सब सीख सकेंगे। ये देखना जरूरी नहीं है, यानी आप सीख सकते हैं ये सब चीजों को। ज्वाइन होइए आप तेलंगाना हॉर्स राइडिंग एकेडमी में अक्रम डेयरी फार्म पर। ऑलरेडी पहले भी इस चीज के वीडियोस डले हुए इस क्लब के भी, और यहाँ पर कुछ हॉर्सेस है सेल के लिए अवेलेबल, उसकी वीडियो भी मैं डाल चुका हूँ चैनल पर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। तो आजम भाई बहुत अच्छा एक दो स्टंट्स जो आप बताएं, तो जो इंटरेस्टेड रहेंगे लोग जिसको शौक है उन सबको उम्मीद है कि आप हर चीज सिखाएंगे यहाँ पर, और वो भी अपने आप में अपने आप को हीरो महसूस करेंगे सारे स्टंट्स करके। हॉर्स का जो स्पोर्ट्स है हॉर्स राइडिंग का बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया स्पोर्ट्स है। बहुत खूब, चलिए इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।